सच में सुधर ही नहीं रहे ये लोग। बुन बुन के, बुन बुन के, बुन बुन के, बुन बुन के। व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है संडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7:30। आज बहुत लेट हो गई हूँ मैं, यानी हालत ही मेरी ख़राब हो गई। आज इतनी थकी हुई थी, बहुत थकी हुई थी। मीन्स कभी से मैं लेटी ही हुई हूँ। मैं नींद में से भी उठी हूँ ना, तो भी मैं रेस्ट ही कर रही थी, क्योंकि तो आज सुबह में अचानक से हेल्पर ने छुट्टी की, तो घर का काम बहुत पड़ा था। कल रात को भी थकी हुई थी, कल भी वीडियो शूट किया था तो थकावट हो गई थी मुझे। खड़े रह के मैंने रील्स शूट किए, ब्रांड का वीडियो शूट किया, तो वो खड़े रह के मुझे आदत उतर गई है ना। इतनी थक गई थी, मेरा बॉडी पेन हो गया था। फिर सुबह में भी थोड़ा बॉडी पेन था ही, बट अचानक से फिर हेल्पर ने भी छुट्टी की और मेरा काम भी बढ़ गया और घर के काम में पूरा दिन मेरा गया। यानी 2 बजे तक हमारा काम चला है, 2 बजे काम उतारा है, उसके बाद सोई हूँ, तो फिर रेस्ट ही कर रही थी। अभी भी उठी हूँ तो 7:30 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैं स्किन केयर करके आई हूँ और अपने हेयर वगैरह सेट करके आई हूँ। ऐसे ही मैं लेटी पड़ी थी दोपहर से, नींद भी इतनी देर नहीं आई, आधा घंटा ही की, तभी भी सोई पड़ी थी। अभी का जस्ट अभी फ़ोन आया, भाई मैं आ रहा हूँ नाश्ता खाने के लिए। आज इनको भी लेट हो गई है, ये भी, इन्होंने भी मिस बोला था मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, मुझे भी काम है तो आ रहे। बोले चिकन लेके आऊँ, मैंने बोला हाँ लेके आओ। बोले थे फिर नहीं, सुबह मैं काम करके थक गई, मैंने बोला नहीं उल्टा लेके आओ पाना, तो थोड़ा मैं थकी हुई हूँ ना, तो वो चिकन वगैरह खाऊंगी ना तो मुझे बॉडी में थोड़ा लगता है ऐसा, मुझे ताकत आ गई है खाने से। अच्छा तो नॉनवेज खाती हूँ ना तो अच्छा लगता है, तो पानी में भी हाथ पड़ा है आज काम में, तो थोड़ा खाऊंगी तो अच्छा रहेगा, मेरी हेल्थ के लिए ही अच्छा है। मैंने बोला कुछ नहीं, सब अटेंसेस वगैरह किए हुए, किचन साफ़ है, पूरा घर का काम उतारा है मस्त, कुछ भी टेंशन नहीं, मैं कर लूँगी अपना चिकन आस्ते से। अभी ये नाश्ता खा के जाएँ, वड़ा पाव बोला है मैंने लेके आओ, तो वड़ा पाव खा लें, चाय वगैरह पी लें, तो मैं लग जाऊँगी। ओनियन काट के धीरे धीरे से भूनती भून भून के बनाती हूँ ना चिकन, में ज़्यादा भूनने के लिए रख दूँगी, धीरे धीरे से वो स्लो फ्लेम पर भून भून के, भून भून के चिकन बन जाएगा, बस बाकी रोटी बनानी है। मैंने बोला लेके आओ, मैं खाऊँगी तो उल्टा अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन कल की वीडियो की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत, आज बहुत थकी हुई थी। सुबह में ऐसा लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे से, मेरी क्या हैबिट उतर गई है ना अभी, मीन्स खड़े रह के मैं वीडियो वगैरह शूट करूँ तो फिर ऐसा लग रहा है मुझे, थकावट बहुत हो रही है, तो अभी हैबिट उतर गई मेरी, मैं मीन्स खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। ये तो मैंने निकाले ही 2-3 वीडियोस खाली मैंने शूट किए, उसके बाद भी मुझे इतनी थकावट हो गई है कि कहने के बाहर बहुत थकावट हो गई। अभी जस्ट अभी आ रहे हैं, 7:30 बजे हैं, मैं जब तक थोड़ी चाय रख ले रही हूँ स्लो फ्लेम पे, आएंगे तो ये भी काम होता जाएगा मेरा, नाश्ता खा के जल्दी से चाय पी लूँगी। और चाय भी मैंने बनाई तो अदरक वाली बनाई चाय, क्योंकि पानी में हाथ पड़ा मेरे, मैंने बोला ठीक है अदरक वाली पीती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो अदरक वाली चाय बनाई थी। अभी भी थोड़ी अदरक डालूंगी, अदरक वाली चाय पीऊँगी, तो फिर उसके बाद चिकन की तैयारी शुरू हो जाएगी मेरी। तो स्लो फ्लेम पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, जब तक नाश्ता खाएंगे चाय भी रेडी हो जाएगी, फिर पियेंगे चाय। तो अभी तक नहीं पहुँचे, मैं जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के लिपस्टिक लगा के आई, ब्लॉग स्टार्ट किया, मैं बोली जल्दी कर लूँ स्टार्ट नहीं तो और लेट हो जाएगी मुझे ब्लॉग में। अभी तक नहीं पहुँचे हैं, नाश्ता लेने गए हैं वड़ा पाव, तो आ जाएंगे। बोले क्या खाएगी, समोसे बोले थे, मैंने बोला नहीं समोसे नहीं लेके आओ। उस दिन मैंने समोसा खाया ना तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, रात को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में ना ऐसे मुझे एसिडिटी की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से ना मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी बहुत, जब भी मैं रात को सोऊँ ना मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाए, इतना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने ना जो डॉक्टर ने मुझे लिख के दी है एसिडिटी की टैबलेट, वो डॉक्टर ने बोल दिया अगर आपको ज़्यादा लगे एसिडिटी तो फिर रात को भी ले लो टैबलेट। फिर एक तो सुबह में ले रही थी, एक फिर मैंने रात को भी चालू कर दी, फिर जो एसिडिटी की टैबलेट ले रही थी ना उससे अभी हार्ट बीट का फास्ट होना बंद हो गया, नहीं तो बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, बीपी लो हो गया है, क्या हो गया है, हार्ट बीट फास्ट हो रही है रोज सोने के टाइम। फिर मुझे समझ में आ गया नहीं मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कि तो मैं एसिडिटी की सिरप पी रही थी ना उसमें से फ़ायदा हो रहा था, उसके बाद मैंने टेबलेट ली फिर उसमें से फ़ायदा पड़ गया, अभी नहीं है प्रॉब्लम, बीच में थोड़ा दिन मुझे प्रॉब्लम था। ये आ गए हैं मेरे लिए वड़ा पाव लेके, जल्दी दो मेरे वड़ा पाव। ये रहा मेरा वड़ा पाव।
गई हूँ किचन में। हाँ, कभी का गए नाश्ता वगैरह खा के, चाय वगैरह पी, और मैंने इधर पूरी चिकन की तैयारी कर ली है। यानी चिकन को मैंने वॉश किया, लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई है और दही बना के रखी है। अभी पूरा मैं मैरिनेट करके रखूँगी थोड़ी देर। जब तक मैरिनेट होता है ना, तब तक मैं ओनियन काटूँगी, टमाटो की प्यूरी निकालूँगी। टमाटे की प्यूरी तो काजली करके देगी, बाकी ओनियन वगैरह काट के मैं जब तक भूनने के लिए रख देती हूँ। ओनियन वगैरह जब तक पकेगा ना, जब तक ये मैरिनेट हो जाएगा। अच्छा हुआ चिकन लेके आए हैं, कि तो मुझे ना ठंड का असर लग रहा है। यानी जैसे ऐसे कफ ऐसे लग रहा है ठंड का असर। आज इनको पता है ना, आज जिसने काम ज़्यादा किया तो ये देखते हैं, जिस दिन मैं अभी इसकी तबीयत का होगा आज लफड़ा, तो उस दिन ये लेके आते हैं चिकन वगैरह। तो आज लेके आए, इनको लग रहा था पहले से ही भाई थोड़ा इसको अच्छे से खाए चिकन तो ठीक हो। और क्लाइमेट भी आज थोड़ा चेंज है, थोड़ी ठंडी पड़ रही है, कभी कभी बारिश पड़ रही है, कभी कभी गर्मी हो रही है, ऐसा हो रहा है। थोड़ी है ऐसे ठंड, क्लाइमेट ऐसा है, फैन की हवा थोड़ी ठंडी लग रही है कभी कभी, और कभी कभी ज़्यादा गर्मी, ऐसा हो रहा है। तो लेके आते हैं क्लाइमेट देख के, ये बस मैं लग जाती हूँ खाने पे, स्लो फ्लेम पे आस्ते आस्ते से बनेगा। और रात को बैठ के सीरीज चालू की है हमने, 2-3 दिन हो गए। कलकुट, हाँ कलकुट, कालकूट ऐसे कुछ है, तो वो मैं देख रही हूँ सीरीज इनके साथ। और अभी तक वो जो सुष्मिता सेन की थी वो आधी देखी है, ताली, और बाकी ओ माय गॉड 2 देखी, और गदर 2, ये सब देखी है मैंने मूवीज़। बाकी ये आज देखनी है, ये पूरी नहीं हुई है। खाना मैंने बोला इनको मैं 10 बजे तक रेडी करती हूँ, रोटी वगैरह बना के जल्दी से 10 बजे तक खा लेते हैं, सीरीज़ देख के फिर 12:30 तक सो जाएंगे, 12-12:30 बजे तक। जल्दी काम उतरेगा, जल्दी सो जाऊँगी। अभी मैं कर लेती हूँ तैयारी मेरीनेशन की। रहा मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये चिकन मैंने वॉश किया है, और ये दही अभी पूरा मैं मैरिनेट करूँगी। पहले नमक लगाऊंगी इसमें, नमक लगाने के बाद दही और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी। अभी 5-10 मिनट इसे छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं दही मैरिनेट करूंगी, इसमें दही ऐड करूंगी। मैंने रख दिया है, खाली ओनियन में मैंने चिकन ही डाला है अभी, कुछ भी नहीं, रेड चिली पाउडर भी नहीं, कुछ भी नहीं। लहसुन जो अदरक लहसुन का पेस्ट था जो मैंने चिकन में डाला, वही थोड़ा बचा के रखा, मिस थोड़ा ज़्यादा था, वो अभी इसमें ओनियन में डाल दिया मैंने ओनियन पकाने के टाइम पे। और अभी दही वाला चिकन है वो उसको स्लो फ्लेम पे मैं पकने दूंगी, रेड चिली पाउडर वगैरह बाद में डालूंगी, पहले उसे भूनने दूंगी। क्यों, तो दही पानी छोड़ रही है ना, बिल्कुल भी दही पानी छोड़ दे, एकदम थोड़ा चिकन घी में तल जाए, फ्राई हो जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं उसमें रेड चिली पाउडर, धनिया वगैरह पूरे मसाले सब डाल के, टमाटो की प्यूरी डाल के फिर से भूनूंगी थोड़ा पानी डाल के, उसके बाद फिर से उसे पकाऊंगी। तो ये स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, और लाइट आधे घंटे से बंद है, फिर से बंद की है उल्लासनगर में लाइट। मीन्स मम्मी ने फ़ोन किया, मम्मी के इधर भी बंद थी, इधर भी बंद है, मैं भी पूरे उल्लासनगर में बंद कर दी है। अभी खाना बनाने का टाइम आता है जब ही, जब भी लाइट बंद हो जाती है, ऐसे करे 2-3 दिन से ना लाइट बहुत बंद कर रहे, परेशान करके रखा है ये लोगों ने। अभी मैंने, अच्छा हुआ 9 बजे हैं, स्लो फ्लेम पे करती जा रही हूँ, तो भी इसको 10:15-10:30 बजेंगे। स्लो फ्लेम पे पकाती रहती हूँ ना, पकाती रहती हूँ तो टाइम लग जाता है मेरे को, तो अभी ये पकती जाए देखती हूँ। 9 बजे लगी हूँ, अभी कितनी देर लगती है, क्योंकि तो ओनियन वगैरह भी काटा ना मैंने, वो भी टाइम गया ना मेरा। 9:20 बजे हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है, और चिकन मेरा भून रहा है, और इस समय मेरे घर में जो अरोमा आ रही है, जो खुशबू आ रही है, ओ माई गॉड क्या खुशबू आ रही है चिकन की, बहुत मस्त। इसलिए अभी आते हैं ना, वो ऐसे करते जल्दी दे पहले ही बोल के गए थे, भाई जल्दी बनाना, मैं जल्दी आके खाऊंगा। अभी चिकन बने तो वहाँ पे रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि तो लाइट बंद है, पता नहीं कितनी देर बंद कर रहे, तो रोटी भी बना दूंगी। अभी भून रहा है, काजल टमाटो की प्यूरी निकाल रही है, टमाटो की प्यूरी हो जाए तो फिर मैं रोटी पे भी लग जाऊंगी, अपना चिकन पकने के लिए रख दूंगी। बहुत खुशबू आ रही है घर में, बहुत मस्त।
तो जी ये ग्रेवी के हिसाब से मैंने डाला है, 9:30 बजे हैं, 10:15 10:30 तक ये हो जाएगा, 10:15 तक रेडी हो जाएगा। क्यों, तो अभी 9:30 बजे हैं, 10:15 तक मेरी ग्रेवी भी थिक हो जाएगी और चिकन भी बढ़िया होगा। रोटी के साथ ग्रेवी कम करूँगी, इतनी नहीं मैं रखूँगी, थिक ग्रेवी रखूँगी। और नमक भी मैंने ग्रेवी के हिसाब से डाल दिया है, चिकन में भी डाल दिया था थोड़ा नमक, थोड़ा इसमें ग्रेवी के हिसाब से डाल दिया है। और अभी से मैं ढक दूँगी, पकने के लिए रख दूंगी और स्लो फ्लेम कर दूंगी। तो मेरा चिकन भी रेडी हो रहा है, अभी को भी जस्ट अभी मैंने फ़ोन किया, क्यों तो ओनियन आलू और टमाटर सब खलास होने वाले हैं, तो मैंने बोला लेके आओ, कल के ही खाली पड़े हैं तो एक्स्ट्रा लेके आओ, पड़े रहे तो बोले मैं लेके आ रहा हूँ। क्यों तो इसके साथ ये ओनियन का सलाद भी खाते हैं ना चिकन के साथ, तो वो भी बनाऊंगी, तो वो भी काटूंगी, ओनियन बनाऊंगी नहीं काटूंगी, वो भी करना है। और 9:30 बजे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है, 8 बजे से गई है। इतना उल्लासनगर में लोड शेडिंग ने परेशान करके रखा है, बहुत परेशान कर रहे हैं, डेली लाइट बंद हो रही है, डेली मिस कुछ देख ही नहीं रही, नहीं बारिश पड़ रही है अभी न क्या, तभी भी लाइट बंद, इतना लोड शेडिंग में परेशान कर रहे हैं बहुत। और फोन भी करो ना उतार के रख देते हैं, इंगेज आता है रिसीवर, रिसीवर भी उतार के रख देंगे कि फोन ही नहीं लगे, कभी लाइट आएगी क्या, कितना परेशान कर दिया। और बैटरी भी कितनी देर चलेगी, अभी इतनी देर से 8 बजे से चालू है, किचन की लाइट अलग चालू है, हॉल की लाइट अलग चालू है, फैन अलग चालू है, बैठे तो वहाँ पे गर्मी हो रही है, और यहाँ पे किचन में लाइट चाहिए मुझे खाना बनाने के लिए, तो अभी रोटी बनानी है, तो कितनी देर बैठे इंसान। उस दिन भी ऐसा हुआ, मैंने 9 बजे खाना बना लिया फटाफट फटाफट से, रात को भाई जैसे लाइट बंद होगी तो मैं रोटी वगैरह बना लिया, फिर ठंडा खाया रात को, जब तक ये आए फ्रेश हो, रोटी ठंडी हो गई थी 10:15 10:30 बजे तक, पर मैंने बना ली, क्यों तो लाइट का भरोसा था नहीं, और बैटरी भी मुझे लग रहा था इतनी नहीं चलेगी, ये तो आ गई लाइट और आज नहीं आई है। इतना उल्लासनगर में परेशान करते, सच में सुधर ही नहीं रहे ये लोग, बहुत परेशान कर रहे, फोन भी नहीं लगेगा, बताएंगे भी नहीं, और बिना वजह के, अभी बारिश भी नहीं पड़ रही है, बिना वजह इनको लाइट बंद करनी है, डेली 2-2 घंटा 1-1 घंटा कोई हिसाब ही नहीं है लाइट बंद कर दे के परेशान कर देने का किसी को भी, तो बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी न टीवी चल रही है घर में, और वीडियो पोस्ट करने के लिए काजल ने रखा है यूट्यूब का, वो भी पोस्ट ही नहीं हो रहा है, आज का इतना आई शेडो पैलेट का मस्त वीडियो था वो लेट हो गया है, अभी तक पोस्ट हो रहा है, आधा 1 घंटा हो गया है, जियो पे पोस्ट ही नहीं होता है, उसका नेटवर्क बराबर नहीं होता है, वाईफाई का नेटवर्क बराबर होता है ना, तो वो वाईफाई चल ही नहीं रही है, लाइट बंद है तो हमारी वाईफाई लाइट पे ही चलती है, मीन्स वो भी हमारा छूट गया, तो इतना परेशान करके रखा है। अब कब वीडियो पोस्ट होगा, आज 9:30 तो बज रहे, इतना अच्छा वीडियो आज लेट हो गई है, मैं सोच रही थी वीडियो पोस्ट होगा तो देखूंगी, कल मैं रेडी हुई हूँ, बहुत अच्छा वीडियो है, मस्त लग रही, काजल एडिटिंग कर रही, बोली मम्मी मस्त लग रहे हो, मस्त लग रहे हो, बहुत अच्छा, ये तो सिंपल मेकअप किया है तो भी इतने अच्छे लग रहे हो, मस्त लग रही हूँ, देखना आप कैसे निकला है, वो तो आ जाएगा मीन्स आज, ये तो अभी कल ही, 10 बजे लाइट आई है, अभी भी आ चुके हैं, चिकन भी रेडी है, और ब्लॉग भी पोस्ट हो गया, कितनी देर से सब रुल गया था, ब्लॉग रुल गया था, चिकन बन रहा था तो ब्लॉग कैसे देखूं मैं, पोस्ट ही नहीं हो रहा था, लाइट बंद थी तो वाईफाई तो चल ही नहीं रही थी, जियो पे पोस्ट नहीं हो रहा था, अभी देख के भी आई क्या मस्त ब्लॉग निकला है, मस्त मैंने देखा अभी टीवी में, मस्त लग रही हूँ बहुत गोल्डन में, और कितनी देर लाइट बंद थी ना, मैं यहाँ पे चिकन रख के इंस्टाग्राम पे जाके, मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल है ना मेरा इंस्टाग्राम पे आ गया है मेरे पास ब्रॉडकास्ट चैनल, उसमें इतनी मैंने मस्ती की है आज, कितनी देर बैठ के बहुत मस्ती की है आज, तो इतना एंजॉय किया है मैंने, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, ये जब से आया है ना ब्रॉडकास्ट चैनल इंस्टाग्राम पे, तब से मैं इतनी एंटरटेन हो रही हूँ, मुझे इतना मेरा टाइम पास हो रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़े कर रही हूँ मैं, अभी मैं इतनी मस्ती करके आई हूँ, बहुत मस्ती करके आई हूँ, इतना टाइम पास मेरा वहाँ पे हो गया है, तो अभी रोटी बना रही हूँ और सलाद वगैरह काटूंगी, 10:30 बज गए, 10:15 बजे पूरा बन गया था चिकन, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, 9:30 बजे मैंने ढक्कन लगा दिया था पकने के लिए, और वो बराबर 10:15 बजे तक बिल्कुल पक गया था, तो चिकन रेडी है मस्त, मैं एकदम से सॉफ्ट बनाती हूँ, तो सॉफ्ट ही बना है, इसके लिए इतनी देर से मैं बूंद बूंद के बूंद बूंद के बूंद बूंद के चिकन बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, बूंद बूंद के बूंद बूंद के बूंद बूंद के बूंद बूंद के चिकन कैसा बनाना चाहिए, बूंद बूंद के बूंद बूंद के बूंद बूंद के बूंद बूंद के चिकन बना लिया। और मेरा जो कलकुट है ना, कलकुटल है कालकुट, वो देखना है मेरे को, कलकुट या कालकुट जो भी हो, मेरी सीरीज देखनी है। तो जी अभी 11 बज गए हैं, मैं रोटी पका के आई हूँ, यानी कि बेला काजल ने पकाया,
और अभी मैं लेके आई हूँ गर्मा गर्म चिकन खाने के लिए, सलाद वगैरह सब, और थक गई हूँ। अभी बैठ के टीवी देखूंगी, अपना व्लॉग तो देखा, बाकी बैठ के कलकुट या कालकुट जो है वो देखूंगी सीरीज, और चेंज करके टीवी बैठ के देखूंगी और रेस्ट करूंगी। थोड़ी थक गई हूँ बहुत आज, मैं कल से थकी हुई हूँ, जब से मैंने शूट किया है थकी हुई हूँ, थोड़ी रेस्ट कर रही हूँ अभी। इसी के साथ ही मैं आज का ये व्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।